नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के दिग्गज फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की बात होगी। हाल ही में एक टॉक शो में वो गए थे, उन्होंने बताया। जैसे आपको मालूम होगा, एक टाइम ऐसा आया था 90s के दशक का जब टाइम था, और वो वक्त ऐसा था कि मेजॉरिटी प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम के थे, क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे, वो मैच फिक्सिंग में इंक्लूडेड रहते थे या उससे इर्द गिर्द उनकी जो छवि थी ऐसे खराब हो रही थी। लेकिन फिर भी वो उनका जो शोएब अख्तर का बयान ये आया है कि मैं ऐसा लगता था एक टाइम पे 21 प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलने जाता था। 11 प्लेयर जो थे वो विपक्षी टीम के थे, वहीं 10 जो प्लेयर थे वो उन्हीं की टीम यानी कि पाकिस्तान नेशनल टीम के प्लेयर थे। और जो सीनियर प्लेयर्स या कह लीजिए कुछ कप्तान उनके पास आते थे, उनको फोर्स करते थे कि मैच फिक्सिंग क्यों नहीं करा रहे हो, रिजल्ट्स हमारे हित में आए ना आए, हमारी बस जेब भरनी चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक सबसे बड़ा खुलासा ये किया है कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को एक बार मारने तक का मन बना बैठे थे और जा भी चुके थे। हालांकि एंड में वो मिले नहीं, तो वो जो हसल बसल और टसल थी वो बच गई। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही बड़ा बयान है, क्योंकि इतना आपको उनकी पर्सनैलिटी याद होगी, हमेशा एकदम फ्लैम्बॉयंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, दो टूक बात बोलते हैं, कभी भी अपनी जो बातें हैं उसको वर्ड्स को मिंस नहीं करते हैं, कुछ भी बात को अपनी रिग्रेट नहीं करते हैं। तो ये हमेशा आपने उनके कोई भी टॉक शो देखा होगा या इंटरव्यू देखा होगा या कोई भी डिबेट या मुलाकात में उनसे जो आप चर्चित हुए होंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया है कि मैं एकदम क्लीन शीट मेरी पर्सनैलिटी है, मैं कोई भी दाग नहीं ले सकता, खासकर मैच फिक्सिंग का दाग मैं अपनी जर्सी या अपने जहन में नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा खुलासा ये है कि उनको मालूम था कि मोहम्मद आसिफ ने कन्फेस किया था कि एक टाइम पे मैं सिर्फ अच्छे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर या अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चक्कर में मैच रिजल्ट्स दूसरों के फेवर में देता था। मतलब इसका ये सीधे तौर पे कि वो मैच फिक्सिंग में इंक्लूडेड रहते थे मोहम्मद आसिफ, और इसी बात से थोड़ा खफा होकर गुस्सा होकर वो उनको चले गए थे मारने, उनको पीटने। लेकिन इवेंचुअली ये हो नहीं पाया क्योंकि मोहम्मद आसिफ मिले नहीं थे। और आपको बता दें, जो आपको इंग्लैंड का वो याद होगा, इंग्लैंड में जो दौरा था वहाँ पर 3 मैच फिक्सिंग में जो इल्ज़ाम लगा था 3 क्रिकेटर्स पर, वो थे मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट। हालांकि सलमान बट को एक क्लीन शीट मिल गई थी क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनका जो जुल्म था, कह लीजिए उनके ऊपर जो एलिगेशन थे वो प्रूव नहीं हो पाए थे। लेकिन एंड में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का करियर आम तौर पर कह सकते हैं आप खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वापसी की थी मोहम्मद आमिर ने, बहुत ही अच्छी वापसी थी। इवेंचुअली उनका जो टेस्ट करियर था वो खत्म हो गया, वो खुद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो चाहते हैं कि हम लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट पे फोकस करना चाहते थे। लेकिन फिर भी शोएब अख्तर का सबसे बड़ा खुलासा और बयान ये आया है कि उनको मालूम था एक टाइम पे कि मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर टीम में इन्वॉल्व रह के भी मैच फिक्सिंग करते थे, और एक वक्त पे वो 21 प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलने जाते थे, मतलब 11 विपक्षी टीम के और 10 उनके अपनी हरी जर्सी में जो रिप्रेजेंट करते थे पाकिस्तान की नेशनल टीम को। खैर, अपनी राय से हमें अवगत कराइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये जो काला सच है या जो ये घटा, ये जो कहते हैं ना डार्क क्लाउड है मैच फिक्सिंग का या बॉल टेम्परिंग का, ये कितना इफेक्ट करता है क्रिकेट जैसे ब्यूटीफुल स्पोर्ट को। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज़।